खबर नागपुर से है। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रह अलह इनके उस के मौके पर हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया बहुउद्देश्य सेवा संस्था नागपुर की ओर से हर साल की तरह इस साल भी नवा सालाना अजीमुशान इज्तिमाई शादी का आयोजन 28 अक्टूबर 2018 को किया जा रहा है। इस आयोजन की तैयारियां संस्था की ओर से जोर शोर से शुरू है। शहर के हर मुख्य चौराहे पर होर्डिंग और बैनर लगाकर लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। इस समारोह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मौजूद रहने की अपील संस्था के अध्यक्ष साजिद भाई इन्होंने आयोजित पत्र परिषद में दी है। दर्शकों नमस्कार, एबीटी न्यूज में मैं विजय ताड़े आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम नालसापुरा चौक में मौजूद है, जहाँ पर पिछले कई वर्षों से एक सामाजिक कार्यकर्ता साजिद भाई वे अलग अलग तरीके से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उनका जनाधार उनके सामाजिक कार्य की वजह से बढ़ता जा रहा है। अभी 28 अक्टूबर को इज्तिमाई शादी का एक बड़ा आयोजन उन्होंने किया है। कुछ गरीब जोड़े आते हैं शादी करने के लिए, उनको वे मदद करते हैं। आइए सीधे जानते हैं इज्तिमाई शादी को कितने साल से आयोजन कर रहे हैं और इस साल का आयोजन किस तरह से किया जा रहा है। साजिद भाई आपका स्वागत है एबीटी न्यूज़ में। क्या बताओगे आप, इतने साल से ये काम कर सामाजिक काम कर रहे हैं और इज्तिमाई शादी का जहां हम देख रहे हैं बड़ा आयोजन चालू है, क्या बताओ? ये 9 साल से हो रहा है जी, 9 साल से प्रोग्राम ले रहे हैं। कि हमारी संस्था एक बाड़ी है, बाड़ी का नाम ये बाबा ताजुद्दीन औलिया जो उसके मौके पर बनाते हैं करते ये प्रोग्राम। बाड़ी हमारी हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया बौद्ध सेवा संस्था, उसका मैं अध्यक्ष हूँ और ये हर साल इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम रखते हैं हम जी। जब भी 10वें महीने की 28 तारीख प्रोग्राम है, इज्तिमाई शादी नालसा चौक चौक पर होती है। और ये कितने साल से आपने आगे चालू की? ये 9 साल हो गए, ये 9वां साल है। अच्छा, आपको इसकी कल्पना कैसे है कि इज्तिमाई शादी आपको करना चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों को, क्यों है क्या? बस ये हम लोग पहले सब मिलके दोस्त भाई लोग मिलके पहले कव्वाली करवाते थे यहाँ जी। 9 साल हमने कव्वाली करवाया जी। अब वो कव्वाली में ऐसा है कि टाइमिंग अभी बदल गया, पहले रात भर कव्वाली होती थी और अब भी ऐसा है कि 10 बजे बंद हो जाती है कव्वाली। पहले ऐसा था कि 10 को चालू होती थी और 12-2 बजे तक के चलती थी। अब जल्दी बंद होने की वजह से मैंने सोचा कि ये पैसे अपन लोगों से लाते हैं जमा करके, ये पैसा ऐसा नहीं खर्चा करते हुए गरीबों के अंदर खर्चा करो, देने वाला तो देता है मगर ये पैसा सही जगह यूज होने को ना। तो वो हिसाब से प्रोग्राम हमने चालू करे इज्तिमाई शादी। तो हर साल की तरह अभी इस साल कितने जोड़े आ रहे हैं? हमारी कोई लिमिट नहीं है, यानी जितने भी आए, अगर एक भी जोड़ा आएगा तो करना है, 10 भी आएंगे तो करना है। जैसा पिछले टाइम पे 26 शादी थी तो हमने 26 शादी करे, अगर अभी 26 से डबल आएंगे तो वो भी करेंगे। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 25 ही करेंगे, 26 ही करेंगे, जितनी आएंगे हमारी एंट्री तक के उतनी शादी करेंगे। तो इस शादी में कुछ गरीब लोग आते हैं, उनको गरीब लोग आपको नया जीवन उनका बसाना है जी, तो आप क्या दोगे उनको? उनको तो हम देते हैं कुरान शरीफ, जान नमाज, लकड़े का पलंग पेटी वाला, उसके ऊपर बिस्तर, अलमारी, डिनर सेट, सिलेंडर, सिगड़ी और कूलर, कपड़े और कुछ और यानी पूरी जिंदगी बताना है, पूरा पूरा देते हैं आप? जी सब देते हैं सर जी। सब इस साल का कैसा आयोजन? इस साल वही से अभी हमारे पूरे शहर में बैनर लगे हैं, हर जगह बैनर, अभी पेपर में भी हमारा चालू है, 1-2 रोज में पेपर में आएंगे, सब पेपर के अंदर न्यूज़ डल गई है। और अब भी बस आप आ गए तो आपको हम एंट्री दे दें कि हमारी 28 तारीख 10वें महीने में ये इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम रखे हमने। तो जो लोग पहुँच नहीं पाते हो, जिनको मालूम नहीं इसके बारे में, उनको क्या बताना चाहोगे? उनको बताना यही चाहेंगे कि भैया इज्तिमाई शादी अगर जिसको भी करवाना है वो हमारे नालसाब चौक पे आइए, हमारे ऑफिस में, हमारी संस्था का नाम हर जगह है,
अगर नहीं मिलता है तो हमारे ये जैसा ये न्यूज़ जो दे रहे हैं इसके अंदर हमारे बैनर लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग, हमारे भाई लोग, आपके नंबर चाहिए, यह नंबर चैनल के ऊपर है, तो ये नंबर पे आप फोन मारो, हम कहीं पे भी रहेंगे तो आपको आपको बुला लेंगे। अभी अक्टूबर माह से बहुत समय बाकी है और आप बहुत जल्दी शुरुआत नहीं तो शुरुआत करने का कारण ये है कि शादी को जोड़ते हैं जी, जैसा अपने घर में शादी रहती तो अपन साल भर पहले तारीख ले लेते हैं, है ना, तो ये लोग भी तारीख ले लेते हैं। अब तारीख लेने के 3 महीने पहले अपनी अपने का एंट्री देंगे वो, ये नागपुर के आते की जो नहीं नहीं अपन तो कहीं के भी अपने को अब तक आया, अभी तक तो पहली बार जो हमने कराए थे जोड़ा तो पहली बार अजमेर का दूल्हा था, दूल्हा अजमेर का था और दुल्हन जो थी तो अपनी काम ठीक ही थी, यानी ये पहला जोड़ा, उसके बाद तो कोई ऐसी जगह नहीं, हर जगह के जोड़े आते हैं। हम लोग मांगते प्रूफ, प्रूफ में लेते हैं आधार कार्ड की जेरेक्स, इलेक्ट्री बिल की जेरेक्स, इलेक्शन कार्ड की जेरेक्स, उसके बाद स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब उनका प्रूफ है, ये सब लेते हैं और उनके सरपरस्त जो है उनको बुलाओ, अगर नहीं है तो कोई बन के आओ, अगर जिंदा नहीं है तो कहाँ से लाएंगा, उठा के लाएंगा नहीं तो कोई आने सरपरस्त, जब जाके हम उनको जोड़ा जोड़ते हैं। दर्शकों और भी कुछ साथी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं इज्तिमाई शादी जो साजिद भाई जो आयोजन करते हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है, क्या बताओगे आप? इज्तिमाई शादी करने से ऐसा रहता है जो गरीब गुरबा जो लोग रहते हैं उनके फिजूल खर्चे से बच जाते हो, तो कम पैसे में शादी हो जाती है और फिजूल खर्चे से बच जाते और वक्त ज़्यादा इंतजार पैसे जोड़ने के लिए ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ता। जियाउद्दीन भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं कि वो इस समय साथ काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जानते हैं इनकी क्या तैयारी चल रही है, क्या बताओगे सर आप? हमारा कहने का मतलब ये है कि इस समय आदमी जगह होना चाहिए, उससे आदमी बच जाता है और कम समय में सब काम हो जाता है, जो गरीब है उनके लिए बहुत अच्छा है और जो लखपति है वो भी करे तो बहुत अच्छा ही है। ये काम जो हम लोग कर रहे हैं 8 साल निकल हो गए हमारे 8 साल, ये नवा कार्य हमारा अच्छा कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ पे, जिसको भी कराना है काम या आ सकते हैं इंटरव्यू करा सकते हैं। फिर एक बार साजिद भाई के साथ जुड़ते हैं हम लोग, साजिद भाई यहाँ पर जो बड़े लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको स्पीक कर मदद करते हैं? मदद बोलो तो सब सभी तरीके मदद सब तरीके से मदद करते हैं, जब भी तो इतना बड़ा काम होता है ना जी, जी। आज जो काम होता है तो ये मैंने कभी तो उसका एवरेज लगाया नहीं कितने का होता है, मगर ये सब की बस्ती वालों की बाहर की अच्छे पूरे सबका सहयोग रहता है, जब जाके अपन इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, ये जो प्रोग्राम रहता है हमारा खाना ही तो कम से कम नहीं तो 15-20 मन का तो खाना रहता है, ये सिर्फ शादी में 21 मन बनाते हैं, बाकी और भी एक नया प्रोग्राम और चालू करें हमने अगले साल से, पिछले साल से खतना का, मैंने बगैर पैसे में बच्चों की खतना करवाना, पिछले टाइम हमने 50 बच्चों की खतना करवाए थे, अब ये साल देखो कितने आते हैं, यानी जितने भी आएंगे उन लोग को खतना भी कराते हैं और खाना भी देते हैं, सब अलग अलग काम होते हैं। वैसे साल में तो हर साल प्रोग्राम 7-8 होते हैं, जैसा बाबा ताज का जन्मदिन आता है तो उसके अंदर अलग प्रोग्राम होता है, यानी ऐसी कई प्रकार के प्रोग्राम हमारी संस्था करती है। आपका इंटरव्यू पूरी दुनिया में जाने वाला है जी, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे और या जो इस्तेमाल शादी करना चाहते हैं उनके लिए आखिर सवाल है, क्या बताना चाहते हैं? बताना यही चाहेंगे कि भैया जो भी आप इस संस्था से जुड़े और कोई अगर जुड़े होंगे तो ये संस्था से जुड़ा आप जुड़ो, है ना, हमारी संस्था का नाम है हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया बौद्ध सेवा संस्था, ये संस्था का नाम है और मैं ये चाहता हूँ कि अगर जितने आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। आज हम 26 शादी कराने की जगह आने वाले साल में हम उसको 52 करा सकते हैं, यानी जितने जन बढ़ेंगे उतने जन कार्यक्रम बढ़ेगा। हम उनसे लेते हैं 3100 रुपये फीस, 3100 रुपये हमारी फीस है एंट्री फीस, और लड़का लड़की को हम पूरा दहेज के साथ देते हैं, कुरान शरीफ, जानमाज, लकड़े का पलंग, बिस्तर, अलमारी, कूलर, सिलेंडर, सिगड़ी, कपड़े। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख क्या? रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 10वें महीने की 15 तारीख। अगर कोई जुड़ना चाहते हैं? हाँ, 10वें महीने की 15 तारीख को आप आके जुड़ सकते हैं, मुझे पूरे बैनर ही लगे, पाम्पलेट हमारे कम से कम 10,000 तो पाम्पलेट बटते हैं और बैनर पूरे शहर के अंदर 100-150 बैनर ऐसे लगते हैं।
अभी बाबा ताज में बैनर लगा है, काम टीम है। अभी कुछ दिनों के बाद हफ्ता 15 रोज में 5 रोज में मैं जाने वाला सीनी छपा रहा हूँ। मैं खुद पर्सनल जाऊँगा वहाँ बैनर उनर लगाने। ऐसे आजू बाजू सब खेड़े गाँव में लगे हैं बैनर, ये समाज कार्यकर्ता यानी फॉर्म के लिए कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये थे साजिद भाई जो इज्तिमाई शादी का आयोजन अक्टूबर माह में 28 तारीख को कर रहे हैं। आप लोग भी अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनके सामाजिक कार्य में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इनका नाम है, नंबर है, आप सीधे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक हम ऐसे कुछ लोगों से मिलते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़ नागपुर।